दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या पृथ्वी पर वापस लौटेगा चंद्रयान 3 और 14 दिनों बाद क्या करेंगे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। आइए जानते हैं। दोस्तों चांद पर भेजा गया भारत का तीसरा मिशन कामयाब हो गया है। चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। आइए जानते हैं 14 दिनों बाद क्या होगा। रोवर और लैंडर से जो जानकारी इसरो को मिलेगी वह 14 दिनों तक की ही होगी, क्योंकि चांद को पूरी रोशनी सिर्फ इसी दौर में मिलेगी। लैंडर और रोवर इन दिनों में पूरी जिम्मेदारी के साथ सूचनाएं भेजेगा। दरअसल 14 दिनों के बाद चांद पर रात हो जाएगी। यह रात कोई एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 14 दिनों के लिए होगी। रात होते ही यहां बहुत ठंड होगी, क्योंकि विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें सोलर पैनल से ऊर्जा मिलती है। अब 14 दिनों के बाद विक्रम और प्रज्ञान काम करना बंद कर देंगे। हालांकि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर फिर सूरज उगने पर विक्रम और प्रज्ञान के काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन उम्मीद ना के बराबर है। दोस्तों अब बात करते हैं क्या पृथ्वी पर वापस लौटेगा चंद्रयान 3। आइए जानते हैं। दोस्तों चंद्रयान 3 को वैज्ञानिकों ने 14 दिनों तक के लिए ही प्लान किया था। हो सकता है कि 14 दिनों के बाद सूर्य का प्रकाश मिलते ही ये काम करे, नहीं तो ये बिल्कुल उसी जगह पर रुक जाएगा। चांद पर ना ही कोई हलचल है और ना ही कोई वातावरण। वहाँ का एक एक मिट्टी का कण भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता है जब तक कि कोई बाहरी फोर्स ना लगे। यहाँ तक कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान भी काम करने के बाद उसी जगह पर रह जाएगा। अगर हम किसी स्पेस क्राफ्ट को वापस लाते हैं तो उसी के चलते उसका खर्च 2 गुना हो जाता है। सबसे पहले तो चांद की सतह से यान को लिफ्ट ऑफ कराना, फिर उसे चांद की ऑर्बिट में भेजना, फिर पृथ्वी के ऑर्बिट में, और उसके बाद फिर कहीं पृथ्वी के वायुमंडल में यान आता है। इन सब में बहुत टेक्निकल काम होता है और ऐसा तभी होता है जब कोई मानव अंतरिक्ष में या चांद पर जाता है, तब ऐसा प्लान किया जाता है, जैसे कि अपोलो 11 मिशन किया गया था। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।